7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो उस वक्त ईरान ने इस हमले की जमकर प्रशंसा की थी और ईरान के बाद तुर्की ऐसा देश था जिसने इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि तब से लेकर अब तक तुर्की का रुख बदला नहीं है बल्कि वो अब भी हमास और हिजबुल्ला के पक्ष में खड़ा है। हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो में तुर्की इकलौता देश है जो लगातार हमास और हिजबुल्ला को सपोर्ट कर रहा है। जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो नाटो के भीतर रहकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। हालांकि तुर्की शुरुआत से ही हमास और हिजबुल्ला का समर्थन करता आया है और इससे पहले भी तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने इसराइल के खिलाफ बोल बोले हैं और अब अर्दोगान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की नजर तुर्की के एनाटोलिया पर है जिसे वे ग्रेटर इजरायल के विस्तार के रूप में देखते हैं। अर्दोगान का कहना है कि अगर इजरायल ने ऐसा किया तो दोनों देशों के बीच युद्ध होगा। हालांकि एनाटोलिया को लेकर इजरायल की तरफ से अभी तक कोई ऐसा इशारा नहीं मिला जिससे ये साफ होता हो कि इजरायल तुर्की के किसी हिस्से को हड़पना चाहता है। आपको बता दें कि अर्दोगान ने तुर्की के नए संसदीय सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि उन्माद और धार्मिक कट्टरता में डूबी इजरायली सरकार फिलिस्तीन और लेबनान के बाद प्रॉमिस लैंड के रूप में हमारी धरती पर नजरें गड़ाएगी। हालांकि इससे पहले भी अर्दोगान नेतन्याहू के ग्रेटर इजरायल के सपने को लेकर कुछ ऐसा ही दावा कर चुके हैं। इसके अलावा अर्दोगान अपने पिछले बयानों में भी इजरायल के साथ खुले संघर्ष की बात कही है। 28 जुलाई 2024 को अपनी पार्टी की कॉन्फ्रेंस में अर्दोगान ने कहा कि हमें बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि इसराइल फिलिस्तीन के साथ ऐसा ना कर सके। जिस तरह से हमने काराबाख में प्रवेश किया, जिस तरह से हमने लीबिया में प्रवेश किया, हम उनके साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम ना कर सके, बस हमें मजबूत होना चाहिए। लेकिन तुर्की का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इसराइल ने नसरल्लाह को मारने के बाद लेबनान पर जमीनी हमला कर दिया हो। हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने हमास को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाला है और तुर्की लगातार हमास को सैन्य साजो सामान मुहैया कराने के साथ साथ उसके राजनयिक संबंध भी बढ़ा रहा है, जिसके बीच ऐसी खबरें हैं कि तुर्की हमास को पैसा और हथियारों की सप्लाई कर रहा है जिनका इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ हो रहा है। और हाल ही में अर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र से इसराइल के खिलाफ सेना इस्तेमाल करने की मांग की थी। अर्दोगान ने कहा था कि अगर यूएन इसराइल का हमास और हिजबुल्ला के साथ युद्ध विराम कराने में असफल होता है तो उसे अपनी सेना इसराइल के खिलाफ भेजनी होगी। आपको बता दें कि अर्दोगान ने यूएन के साथ साथ दूसरे मुस्लिम देशों को भी नहीं बख्शा। अर्दोगान ने मुस्लिम देशों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें इसराइल पर आर्थिक, राजनयिक और राजनीतिक दबाव को बढ़ाना चाहिए जिससे वो गाजा में युद्ध विराम के लिए राजी हो जाएं। और अर्दोगान के इन्हीं बयानों की वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका और नाटो के हितों को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि एक तरफ तुर्की नाटो का मेंबर है, दूसरी तरफ वो नाटो और अमेरिका के खिलाफ ही काम कर रहा है। मौजूदा समय में तुर्की और ईरान के रुख में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही देश हमास और हिजबुल्ला के बड़े समर्थक हैं।